नमस्कार दोस्तों, आर के कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर पीएफएम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग। क्या पढ़ेंगे? बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यवसायिक पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं? व्यवसायिक पूर्वानुमान। कोई भी व्यवसायी किसी भी व्यवसाय करने से पहले उस व्यवसाय की गतिविधियों के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेता है कि उसमें किस हद तक लाभ होगा, किस हद तक अपन को जोखिम उठाना पड़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक पूर्वानुमान। तो व्यवसायिक पूर्वानुमान की कुछ विधियाँ हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट विधि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो विधियाँ। कितनी विधियाँ? दो विधियाँ। तो अपन देखेंगे मेटा शो मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग इसमें पहला मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा है? लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्कोर मेथड को हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम वर्ग विधि। क्या बोलते हैं? न्यूनतम वर्ग विधि। तो लिस्ट स्कोर मेथड में अपन को क्या निकालना पड़ता है? उपनति मूल्य। क्या निकालना पड़ता है? उपनति मूल्य वाईसी। क्या निकालना पड़ता है? वाईसी। तो वाईसी कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी एक्स। अब ए कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं देखना। ए बराबर क्या होता है? सिग्मा बाय अपॉन एन। ए कैसे निकालते हैं? सिग्मा बाय अपॉन एन। और बी कैसे निकालते हैं देखना। बी बराबर सिग्मा एक्स बाय अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा? सिग्मा बाय अपॉन एन। और बी बराबर क्या होगा? सिग्मा एक्स बाय अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अपन एक लिस्ट स्क्वायर मेथड से विधि से अपने इक्वेशन कैसे है दो हजार इक्वेशन अपने पास 2013 को आधार वर्ष मानकर उपनति मूल्य क्या थी। अब देखो यहां हमको यस दे रहे हैं 2009 और 11 2012 2013 2014 और ये 2015 ये यस दे रहे हैं। अपने को क्या दे रखा है? वाई दे रखा है। वाई कितना दे रखा है? 10 15 18 22 और 20 ये अपन को याद रखना है 22। अब अपन इससे एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक्स? देखते हैं एक्स कैसे निकलेगा। 2013 को आधार वर्ष मानना है। कौन सी को? 2013 को। 2013 है ना। 2011 से 2013 कितना बचेगा? माइनस का 2 ये है। फिर 2012 से 2013 का कितना बचेगा? माइनस का 1। फिर 2013 से 13 गए तो वही 0 बचेगा। जब 2014 से 13 गए तो कितना बचेगा? 1 प्लस का। 2015 से 2013 गए तो कितना बचेगा? प्लस का 2। ये हो गया x। अब x से अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे x का। तो ये हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 ऐसे माइनस एक का स्कोर कितना आएगा? 1। फिर जीरो का स्कोर
हो गया, क्या निकाले थे एक्स हो गया। अब एक्स के बाद क्या निकालेंगे हम, एक्स वाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्स वाई, क्या निकालेंगे एक्स वाई। ये एक्स है ये वाई है, एक्स को वाई से गुणा करने पर क्या निकल गया है एक्स वाई। माइनस के दो को दस से गुणा करेगा तो कितना आएगा माइनस का बीस, माइनस के एक को पंद्रह से गुणा करेगा तो कितना आएगा माइनस के पंद्रह, जीरो को अठारह से गुणा करेगा तो जीरो आएगा, बाईस को एक से गुणा करेगा कितना आएगा बाईस का बाईस ही आएगा, बीस को माइनस के दो को बीस को दो से गुणा करेगा कितना आएंगे चालीस। जब भी चाहिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई, क्या हो गया टेबल कंप्लीट हो गई। अब देखते इसमें आगे क्या होता है, अब ए कैसे निकालेंगे बी कैसे निकालेंगे। पहले देखो बाय का टोटल बोलो कितना आ रहा है, बाय का टोटल आ रहा है पिचासी, कितना आ रहा है पिचासी, ये हो गया सिग्मा बाय। एक्स का क्या आ रहा है टोटल जीरो, एक्स इसको कितना आ रहा है दस, तो बाय एक्स वाई का सिग्मा एक्स वाई कितना है सिग्मा एक्स वाई बोलो, ये हो गया सिग्मा एक्स इसको सिग्मा एच इसको जो गया सिग्मा एस, और सिग्मा एच वाई कितना आ रहा है इसमें सिग्मा एच वाई आ रहा है सत्ताईस, कितना आ रहा है सत्ताईस आ रहा है जो गया। अब पुनः बाईस निकालने के लिए करेंगे ए का मान निकालेंगे और बी का मान निकालेंगे, किस किस का मान निकालना पड़ेगा ए का और बी का। तो ए का और बी का मान कैसे निकालते हैं, ए बराबर क्या होता है सिग्मा बाय अपॉन है, क्या होता है सिग्मा बाय अपॉन है, तो अपने यहाँ ए का मान निकालते हैं ए बराबर सिग्मा बाय अपॉन है, सिग्मा बाय का मान कितना है पिचासी, कितना है पिचासी बटा एन, एन कितना दे रखा है एक दो तीन चार पाँच, नंबर ऑफ पीयर्स को एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पीयर्स को एन बोलते हैं, तो पाँच दे रहेगा पाँच, तो ए बराबर कितना देगा पिचासी मतलब अपन पाँच का भाग करके कितना आएगा सत्रह, कितना आएगा सत्रह। ऐसे एक का मान आ गया, ऐसे अपन किस का मान निकालेंगे बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान कैसे निकालते हैं बी बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, बी बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स वाई बराबर बटा बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, बी बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऐसे बी का मान निकलता है। तो एक्स वाई का मान कितना दे रखा है सत्ताईस दे रखा है, सिग्मा एक्स इसको कितना दे रखा है दस दे रखा है, कितना दे रखा है दस दे रखा है, तो मान लो सत्ताईस बटा दस बराबर कितना गया दो पॉइंट सात, कितना आ गया दो पॉइंट सात, यह आ गया बी का मान आ गया ए का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बाईस उपनति मूल्य, बाईस इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे अपन बाईस का मान निकाल देंगे। अब देखो दो हजार ग्यारह के लिए निकालते हैं बाईस, ए का मान कितना आया सत्रह, तो देखो सत्रह प्लस बी का मान कितना आया दो पॉइंट सात, कितना है दो पॉइंट सात गुणा कितना इसके साथ एक्स का मान कितना है दो हजार ग्यारह के लिए एक्स का मान कितना है माइनस के दो, कितना है माइनस के दो। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो सत्रह तो ऐसे कैसे रहेंगे दो पॉइंट सात को माइनस दो से माइनस के पाँच, पाँच पॉइंट चार रहेगा कितना रहेगा माइनस के पाँच पॉइंट चार, फिर माइनस के पाँच पॉइंट चार को सत्रह में सीधा क्या बनेगा ग्यारह पॉइंट, ग्यारह पॉइंट छः बचेगा कितना बचेगा ग्यारह पॉइंट छः। ऐसे ही अपन दो हजार बारह के लिए अपने मूल्य निकालेंगे, तो दो हजार बारह के लिए कैसे निकालेंगे ये एक मान सत्रह आया था प्लस बी का मान कितना है दो पॉइंट सात गुणा, अब एक्स का मान कितना है दो हजार बारह के लिए एक्स वाले को बदल दो माइनस का एक, कितना है माइनस का एक, तो बराबर क्या होगा देखो सत्रह तो ऐसे कैसे रहेंगे अब दो पॉइंट सात को माइनस के एक शून्य करेंगे तो क्या आएगा माइनस के दो पॉइंट सात, अब सत्रह में से माइनस के दो पॉइंट सात कितना कितना बचेगा मेरे पास चौदह पॉइंट तीन, कितना बचेगा चौदह पॉइंट तीन। ऐसे ही तीस दो हजार तेरह के लिए निकालेंगे कुछ मूल्य, तो एक्स का मान सत्रह लिख दो प्लस दो पॉइंट सात गुणा एक्स का मान कितना इसमें जीरो, तो बराबर कितना रहेगा
क्वेश्चन है अपने पास 5 सालों की बिक्री दे रखी है, वर्ष दे रखा है 2013, 2014, 2016, 2017 5 साल की बिक्री और क्या देखा है, यस देखा है, ये देखा है सेल्स बाई कितनी देर की भाई 10, 13, 14, 15 और 18 देखना वो क्या दे रखी है सेल्स दे रखी है, सेल्स दे रखी है और क्या बोल रहा है 2013 को आधार वर्ष मानना क्या है, इसको मानना है 2013 को आधार वर्ष मानना है। देखे अब इससे एक से निकाल के वो 2013 से करेंगे तो 0 बचेगा, फिर 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 से करेंगे तो 2, 16 से करेंगे तो 3 और 17 से करेंगे तो 4,
ये हमने एक्स निकाल दिया, एक्स निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो, एक का स्क्वायर कितना होता है एक, दो का स्क्वायर कितना होता है चार, तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ, चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह। ऐसे ही क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालेंगे एक्स वाई, क्या निकालेंगे एक्स वाई। अब एक्स को वाई से मारेंगे तो एक्स वाई आएगा, दस को जीरो से मारेंगे तो जीरो, तेरह को एक्स से मारेंगे तो तेरह, चौदह को दो से करेंगे तो अठाईस, पंद्रह को तीन से मारेंगे तो पैंतालीस, अठारह को चार से मारेंगे अठारह सौ बहत्तर। ये अपनी टेबल कंप्लीट हो गई, क्या हो गया टेबल कंप्लीट हो गई, जो हो गया सिग्मा है, जो हो गया सिग्मा है, जो हो गया सिग्मा एक्स पर, जो हो गया सिग्मा एक्स पर। अब इन सबका योग करके लिखेंगे, सिग्मा एक्स कितना है एक दो तीन और चार, दो कितना है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कितना है इन सबको जोड़ कितना होगा सत्तर, कितना आएगा सत्तर। सिग्मा एक्सिस को मेरे लोग कितना होगा देखो, सिग्मा एक्सिस को मेरे लोग होगा तीस, कितना होगा तीस। ऐसे ही सिग्मा एक्स वाई के लोग कितना होगा एक सौ अट्ठावन, कितना होगा एक सौ अट्ठावन। अब देखो आपने पर यहाँ पर सब वैल्यूज निकाल दिए, अब उनको क्या करेंगे समीकरण रखेंगे, तो अपने पास समीकरण पहुंचता सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एक समीकरण तो ये था, और दूसरा समीकरण कैसे था सिग्मा एक्स वाई बराबर, सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये क्या था दूसरा समीकरण था। अब जो भी वैल्यू जो हमने दे रखी है उनको क्या करेंगे अपन समीकरण में रखेंगे। तो देखो पहला समीकरण बनाते हैं, पहले सिग्मा वाई, सिग्मा वाई का करेगा आप देखो सत्तर बराबर एन, एन का मार कितना है एक दो तीन चार पाँच, कितने बच दे रखे हैं पाँच, तो पाँच ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मार कितना करेगा है सिग्मा एक्स बराबर कितना करेगा दस, तो टेन बी, ये तो हो गया समीकरण दिया गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे दूसरा समीकरण तैयार करेंगे, सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, कौन सा है सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई का मान कितना दे रखा है एक सौ अट्ठावन, कितना दे रखा है एक सौ अट्ठावन बराबर सिग्मा एक्स वाई का मान हो गया। अब ए सिग्मा एक्स का मान कितना दे रखा है टेन, तो टेन क्या हो गया टेन प्लस सिग्मा बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना दे रखा है तीस, तीस जो हो गया समीकरण दो। अब क्या करेंगे समीकरण एक को किससे गुणा करेंगे दो से, क्यों करेंगे क्योंकि उनको अपना ए और बी का मान निकालना पड़ेगा, ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे उनको समीकरण एक को दो में से घटाएंगे तब जाके अपने वैल्यूज को पता चलेगा। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे तुम या तो ए को बराबर कर लो या बी को बराबर कर लो, इसलिए क्या करेंगे पहले तुम ए को बराबर करने के लिए क्या करेंगे समीकरण एक को दो से गुणा करेंगे, और दो समीकरण एक को दो से गुणा करने पर जो हो गया समीकरण एक को दो से गुणा करने पर देखो सत्तर को दो से करेंगे तो गुणा एक सौ चालीस बराबर पाँच को दो से करेंगे पाँच दुनी दस, तो कितना आ गया दस ए, ऐसे दस को दो से गुणा करेंगे प्लस के बीस बी, ये हो गया समीकरण तीन। अब समीकरण दो बचता है एक सौ अट्ठावन बराबर दस ए प्लस तीस बी, ये हो गया समीकरण दो। अब तीन में से समीकरण दो को घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो सबके नीचे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, जब टेन ए प्लस का है और टेन ए माइनस का है दोनों घट जाएंगे। अब देखो क्या बचेगा एक सौ चालीस में से अपना कितने बचेंगे
माइनस के 18, कितना बचेंगे माइनस के 18 और बराबर में कितना बचेगा माइनस के 10 बी, कितना बचा माइनस का 10 बी। तो देखो माइनस से माइनस कर दिया, कट गया। अब बी की बराबर क्या हो जाएगा 18 का 10 की बराबर कितना आ गया 1.8, या आ गया 1 का मान। अब अपन क्या करेंगे 1 का मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1 का मान। अब कैसे निकालेंगे 1 का मान, इसमें लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो b का मान कितना आया 1.8, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 1 क्या आएगा 70 बराबर 5a प्लस 10b, ये आएगा कितना मान 1.8। अब देखो 70 तो 70 जैसे कैसे लिखेंगे बराबर 5a प्लस 10 गुणा 1.8, बी का मान कितना था 1.8। तो अपन 1.8 यहाँ लिख दिया तो देखो 70 बराबर 5a प्लस, अब 1.8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18। ये 18 जो किस में है प्लस में, तो बराबर किसको पाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, किसको हो जाएगा माइनस का। तो देखो 5a बराबर 70 माइनस 18, तो 5a बराबर कितना हो गया 52, कितना हो गया 52। अब ये 5 किस में है यहाँ पे बराबर यहाँ इधर किस में जाएगा बाद में, तो लिखेंगे 5a बराबर 52/5, तो ये बराबर कितना रहेगा देखो 52/5 का लॉग कितना रहेगा 10.4, कितना रहेगा 10.4। अब अपन को अगर क्वेश्चन में क्या पूछा था 2018 के लिए उपनति मूल्य, 2018 के लिए उपनति मूल्य, तो उपनति मूल्य कैसे निकालते हैं y = a + bx, तो देखो क्या निकालना है उपनति मूल्य, क्या निकालना है उपनति मूल्य। तो y से बराबर क्या होगा a का मान कितना आया 10.4, कितना आया 10.4 प्लस b का मान कितना आया 1.8। ऐसे x का मान कितना होगा देखो 2013 के लिए 0 हो गया, 2014 के लिए 1 हो गया, 2015 के लिए 2 हो गया, 2016 के लिए 3 हो गया, 2017 के लिए 4 हो गया, तो 2018 के लिए कितना होगा x का मान 5, कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं y = 10.4 प्लस, अब इसको 1.8 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो 22 का मतलब होगा 19.4, 22 का मान कितना आएगा 19.4। ये हो गया अपने दोनों समीकरण, ये होगी अपनी लिस्ट स्क्वायर मेथड वाली विधि कंप्लीट हो गई है। कौन सी विधि कंप्लीट हो गई है लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब इसके बाद अपन कौन सी विधि पढ़ेंगे रिग्रेशन मेथड, कौन सा रिग्रेशन मेथड।